हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आज मैं दिखाने वाला हूं कि दिल्ली मेट्रो में सफ़र कैसे करते हैं। तो आप सिंपली सबसे पहले किसी भी मेट्रो स्टेशन में चले जाइए, या तो एलिवेटेड होगी, अंडरग्राउंड होगी। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन में सबसे पहले अंदर चले जाइए। तो मैं आ चुका हूं बाराखंबा मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली। तो अंदर चलते हैं। इसमें सफ़र करने के लिए आपको टिकट होना चाहिए या कार्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो अंदर जाते ही आपको मिल जाएंगे टिकट और कार्ड, दोनों आपको मिल जाएंगे। टिकट कटवाने के लिए आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में सफ़र करते हो तो कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। कार्ड में इससे बेनिफिट ये होती है कि आपको लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कार्ड लेकर जाइए डायरेक्ट। मेरे पास ऑलरेडी कार्ड है तो मैं कार्ड से ही सफ़र करूँगा, आपको कार्ड से ही बताऊँगा किस तरह से सफ़र करते हैं। लेकिन मेरे पास बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले मैं बैलेंस रिचार्ज करूँगा। ये आप यहीं से आप टिकट भी कटवा सकते हो और रिचार्ज भी करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैं रिचार्ज करवाऊँगा। आप ये देख सकते हो टिकट वेंडिंग मशीन है और रिचार्ज करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ रिचार्ज पे क्लिक करना है, कार्ड डालना है। आपको पेमेंट कैसे करनी है उसको सेलेक्ट करनी पड़ती है, कितने का करना है, 100 रुपये करना है तो 100 रुपये क्लिक कर दो आप। और पेमेंट कैसे करनी है कैश में तो कैश में आप कर सकते हो, UPI भी कर सकते हो, कार्ड से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कैश में रिचार्ज किया, चलो हो गया। एक सेकंड में हो जाती है दोस्तों, एक सेकंड से भी कम में रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ता है और ये क्यू में खड़ा होकर आपको लगेज चेक करवानी पड़ती है और आपका बॉडी भी चेक होती है। यहाँ 3 सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे टर्नस्टाइल मशीन होती है। यहाँ पे आपके पास अगर कार्ड है तो कार्ड, नहीं तो आप टिकट भी, आप टिकट से भी पास कर सकते हो, सिर्फ टच करना होता है बाहर निकलते हैं। और आप यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड होती है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कौन सा ट्रेन पर करना है, कौन सी प्लेटफॉर्म पर जाना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको बिना किसी से पूछे, आप कस्टमर केयर पे, जस्ट बगल में ही होते हैं कस्टमर केयर, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। नहीं तो DMR से एप्लीकेशन होती है, प्ले स्टोर पे मिल जाती है, उससे आप इंस्टॉल करके आप उसमें इंटर करना होता है कौन से लोकेशन में आपको कहाँ पे जाना है। सबसे बेस्ट वो एप्लीकेशन है, उसमें आपको बता देगा कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको जाना है। मेरी ट्रेन छूट गई, लोकल रखनी, 1 मिनट में आने वाली, 1 मिनट से भी कम लगते हैं, 1 मिनट में आ जाते हैं मैक्सिमम टाइम। किसी भी आप मेट्रो स्टेशन हो तो 1 मिनट से 2 मिनट लगता है, कभी कभी तो 1 मिनट से कम में भी आ जाती है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, तो अब आने वाली ही है। और ये दोस्तों मेरे ट्रेन आ चुकी है और अब हम इसके अंदर जाने वाला हूँ। भीड़ तो काफ़ी है और ये तो आप भूल जाओ कि दिल्ली मेट्रो में सफ़र में आपको सीट भी मिलने वाली है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आपको कभी नहीं मिलेगी। वो भी येलो लाइन, इसमें तो काफ़ी भीड़ रहती है, येलो लाइन ब्लू लाइन काफ़ी भीड़ रहती है, ये देख सकते हो। तो दोस्तों मैं डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ, तो यहाँ से हम अब बाहर निकलने वाले हैं। और आप देख सकते हो चारों तरफ की नज़ारे स्टेशन की, खूबसूरत तो काफ़ी है। और अब हम एग्जिट करने वाले हैं, सिर्फ एक टर्नस्टाइल मशीन होती है, लास्ट में आपको एग्जिट के समय आपको टच करनी होती है, बस बाहर निकल जाइए। आप दूसरे को देख के भी आप सीख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।